एसपी चौहान की फिल्म होगी 8 फरवरी को रिलीज। अंबाला शहर स्थित किंगफिशर जीटी रोड में एसपी चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फिल्म का नाम एसपी चौहान रखा गया है। इस फिल्म को 8 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेता शेरगिल ने मुख्य भूमिका अदा की व यशपाल शर्मा ने पिता का रोल निभाया है। और अंत में एसपी चौहान ने इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य बताया कि ये फिल्म संघर्ष और सलाम पर आधारित है। आज हमारे बीच में एसपी चौहान जी, जिन्होंने एक नई पिक्चर जो है रिलीज की है और उसमें जातिवाद के खिलाफ और नशे के खिलाफ बहुत कुछ बताया गया है। अब इसके बारे में आज हम जानेंगे एसपी चौहान जी के विचार। ये मूवी जो है, इसका नाम एसपी चौहान स्ट्रगलिंग मैन है और ये मूवी संघर्ष को सलाम किताब जो है उस पर बेस करती है, उस पर ही बनी है। हमारे जीवन को संदीप साहिल, जो दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने हमारी जीवनी को लिखा था और 20 नवंबर 2016 को उस किताब का विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी, उन्होंने इसका विमोचन किया था 3000 से ज़्यादा विद्वान लोगों के बीच में। और तभी वहाँ बॉम्बे से काफ़ी लोग आए हुए थे, यशपाल शर्मा इज वन ऑफ देम। तो उसी सभा में ये डिसाइड किया गया था कि इस पर एक मूवी बननी चाहिए और वो मूवी बन के अब तैयार हो गई और वो 8 फरवरी को भारत के तमाम हिस्सों में, सारी स्टेट्स में रिलीज हो रही है। तो इस मूवी में जो नौजवानों के लिए सीखने के लिए बात ये है कि ये नशे के खिलाफ है, क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो नशे से ग्रसित है। विशेष तौर पे युवा लगातार डे बाय डे नशे की गिरफ्त में आ रहा है, तो जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके टारगेट बर्बाद हो रहे हैं, उनका तमाम जो एक युवा के अंदर जज्बा होता है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये मूवी जो है वो नशे के खिलाफ एक मैसेज है, जिससे युवा, स्टूडेंट सब इससे सीखेंगे कि नशे से दूर रह के जीवन कितना कीमती है।